अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। भाई आज हमारा वापसी विजिट हुआ है शाहबुद्दीन पर, और यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये है कि यहाँ पर अंडों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है यहाँ पर, और क्या प्राइसेस में अंडे मौजूद है। और यहाँ पर जिस शॉप पर अभी हम मौजूद है, यहाँ पर अंडों के बहुत सी वैरायटीज मौजूद है, जिसमें जो है आपको डबल जर्दी, सिंगल जर्दी और भी बहुत सी जो है अकसाम यहाँ पर इनके पास मौजूद है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या फ़र्क है, क्या जो है क्वालिटी का फ़र्क है, क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है, और प्राइजेज वगैरह कितने जो है हमारे व्यूवर्स के लिए कम हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर पसंद है तो लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाई जा सके। तो फिर आइए शाबान के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी, अल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनायत। अनायत भाई, ये बताते हैं कि आपकी शॉप पर कौन कौन से अंडे मौजूद होते हैं? देखिए हमारे पास तो हर किस्म के अंडे आपको मिल जाएंगे। सही है, जैसा फार्मी है, डबल जर्दी है, और देसी है, गोल्डन है, और बत्तख के अंडे भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, बत्तख के भी अंडे मिल जाएंगे? जी हर किस्म के। क्या बात हो गई यार। और हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बताते हैं प्राइस जो है, क्या अभी कुछ कम वम हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं? सर्दी की वजह से रेट ऊपर ही जा रहे हैं, रोज डेली बेसिस पे रेट होते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो सर्दी की वजह से ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें क्या अंडों में ग्राम वगैरह का भी सिस्टम होता है? जी जी, ग्राम का फर्क होता है, एवरेज का भी फर्क होता है। अच्छा, तो आपके पास कौन से होते हैं? देखिए मेरे पास तो बड़ा अंडा होता है, उसका रेट जो है वो आज का 400 रुपए, और छोटे अंडे का रेट होता है वो क्या नाम है 390 रुपए। 390 रुपए, जो जैसे शायद छोटा होगा उसका रेट कम होता है। तो दिखा सकते हैं इसमें 390 वाला और 400 वाला? मेरे पास तो ये देखें बड़ा अंडा है, ये 400 वाला है सारा, ये सारा 400 वाला है। जी जी, ये बड़ा अंडा, बड़ा देख ले भाई, साइज भी जो है ये बड़ा वाला साइज है। सही है, और ये डबल जर्दी का अंडा है। ये डबल जर्दी आ गई जी। ये कैसे पता चलता है अंदर डबल जर्दी है, सिंगल जर्दी है? ये देखिए, पहली बात तो ये कि हमसे चेक हो गया था, ये कंफर्म डबल होता है। अच्छा, तो लंबा होता है। अच्छा, गोल में जो होता है वो डबल जर्दी नहीं। अच्छा जी जी, ये सीन है। और इसका क्या प्राइस है डबल जर्दी? इसका रेट जो है आज का रेट जो है 600 रुपए। जी जी, आज का रेट 600। सही, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये रेट? स्टार्ट हुआ था 400 रुपए से, 400 से स्टार्ट हुआ था, अभी 600 पे आई है। डबल जर्दी होती है और अंदर और निकलती भी डबल जर्दी। जी जी, डबल जर्दी। इसमें कुछ अंडों में एक्सपायरी वगैरह भी होती है क्या? नहीं नहीं, आजकल मौसम अच्छा है, 1.5 महीना मतलब महीना 15-20 दिन कुछ भी नहीं होते। अच्छा, गर्मी में थोड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं, आजकल मौसम अच्छा है तो इस वजह से कुछ भी नहीं होता। फ्रिज वगैरह में रखे तो मसला नहीं, वो 5वें 6वें में रखने होते, उससे जल्दी जो है टूट जाती है। अच्छा अच्छा, वो मतलब घर की लेडीज यही समझती है खराब। अच्छा अच्छा, वो जल्दी फैल जाती है उससे, हालांकि बेसिकल वो अंडा खराब नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लेके जाते हैं, आज आपसे लेके जाते हैं तो फौरन फ्रिज में रख सकते? नहीं नहीं, बाहर रख दे, कोई इशू नहीं। अच्छा, बाहर रखिए, अल्लाह ने लिमिट बनाई है 15-20 दिन कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा जी जी, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं यार खराब हो जाएगा तो फ्रिज में रख देते हैं। नहीं नहीं, वो फ्रिज की वजह से इसकी जल्दी फैल जाती है। सही है, और ये गोल्डन अंडा है। सही है, ये 500 रुपए देखिए, और ये ओरिजिनल देसी अंडा है पंजाब का। भाई ये आपने यहाँ पर एक जगह अलग रखा हुआ है, वहाँ अलग रखा हुआ है, क्या मकसद है? ये देखिए लोकल देसी है, इसको पूरी कराची में देसी बना के बेचते हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब है गोल्डन देसी अंडा, गोल्डन, और ये ओरिजिनल देसी अंडा है पंजाब का एक नंबर, पंजाब का एक नंबर, गांव देहातों से जो मतलब आता है वो अंडा होता है। अच्छा, अच्छा। इसकी जर्दी येलो होती है, खाने में टेस्ट होती है, और इसकी जर्दी जो है बिल्कुल व्हाइट होती है, व्हाइट होती है, ऊपर से सेम नजर आएगा आपको। अच्छा अच्छा, और ये नर मादा के साथ होता है। अच्छा, ये ऐसा सीन है ये, और ये सिर्फ मादी देती है, इसके अंदर नर नहीं होता है। और ये फीड पे होता है, ये मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं उससे इसकी जर्दी बनती है। अच्छा, मतलब ज्यादातर ताकतवर, ये ओरिजिनल देसी है, ओरिजिनल वो है। और रेट क्या बताया आपने? इसका रेट आज का रेट है 850। 850 रुपए, ये 650 पे शुरू हो गए, 850 पे जाके रुके। अच्छा, 22,000 रुपए पेटी का रेट है, और इसकी पेटी का रेट है 13,000। 13,000, मतलब इतना फर्क है। जी जी, ऊपर से सेम नजर आएगा, लेकिन अंदर से जब अंडा टूटेगा तो उससे मतलब पहचान नहीं जाती है। अच्छा अच्छा, इसकी जर्दी व्हाइट होती है, उसकी येलो होती है, पानी में टेस्ट होता है, टेस्ट होगा देसी, वो एक नंबर अंडे की जो है टेस्ट होता है। बेसिकली ये हर कोई नहीं रख रहा इस टाइम, क्योंकि अंडा महंगा हुआ है, उसको मतलब देसी बना के बिल्कुल ऐसे मार्केट में फ्रॉड, मार्केट में मतलब दो नंबर काम कर रहे होते हैं, असल वजह ये होती है। सही,
तो हमारे जो है अभी इसके बाद बत्तख के अंडों पे आने से पहले जो है मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूं, ये अंदाजन जो है कितने ग्राम का आपके पास ये पड़ा हुआ है? ये मेरे पास 60 से लेके 62 से लेके 65 तक होता है। 62 से 65 तक बस ये इसकी एवरेज होती है, फार्म से निकल के बड़े अंडे की एवरेज यही होती है। अच्छा, और इससे कम वाले कितने ग्राम का होता है? 58 54 सही है। और अभी इसके अलावा कौन सा बत्तख का अंडा दिखा रहे हैं? तो फिलहाल अभी खत्म हो गया, आज आएगा। अच्छा, आज आएगा जी जी। तो क्या डेली बेसिस पे लोग खरीदते हैं? अच्छा जी जी, माल खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग, खाते हैं इसका मतलब है? मतलब इस अंडे के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। देखो यार, कुदरत की बनाई हुई चीज का कोई नुकसान दे नहीं होता, लेकिन चीज एक नंबर जो है ना, कोई भी बेकार। सही। और वो उसका क्या रेट है? बत्तख का अंडा का, एक अंडे का रेट है 90 रुपए का, 1050 रुपए का उसका मतलब दर्जे ने। अच्छा, तो दम्मे मम्मे के लिए, ताकत के लिए अंडा, ताकत के लिए अंडा है। सही है। गर्म होता है और हार्ड होता है। हार्ड होता है जी जी, ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे व्यूअर को बता दें एड्रेस क्या है और फोन नंबर बताना चाहते हैं तो वो भी बता दें। जी, शाहबुद्दीन ए ब्लॉक है, 42 नंबर दुकान है, अनायत अंडे वाला। अनायत अंडे वाला। सेल नंबर मेरा 0304-2622-155 है। 155 जी जी, ठीक है। तो अनायत भाई, ये एक और चीज हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप लोग के पास तो ठीक ठाक माल आता है जैसे क्रेटो वगैरह में, तो जाया भी हो जाता है। जाया हो जाता है तो वो रीयूज के लिए आगे जाता है, बेच देते हैं, उस क्या होता है उसका? नहीं नहीं, मतलब वो हमारा अपना ही नुकसान होता है, लेकिन हम कस्टमरों पर नहीं डालते। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कस्टमरों को नुकसान नहीं देते। नुकसान नहीं देते। तो टाइमिंग वगैरह क्या है आपकी? टाइमिंग हमारी 9 से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, सर्दी तक, और गर्मी में 8 बजे तक। इतवार भी ऑन है आपका? जी ऑन है, सिर्फ जुम्मे की छुट्टी होती है, सिर्फ जुम्मे की छुट्टी होती है। सही है भाई, देख सकते हैं माशाल्लाह इनके पास यहाँ पर अंडों की बहुत सी वैरायटीज मौजूद है, ठीक है, जिसमें जो है आपको 60 ग्राम के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अंडे, 60-65 ग्राम के बड़े अंडे। सही है, डबल जर्दी का अंडा मिल जाएगा यहाँ पर, ये देसी में मिल जाएगा आपको। सही है, देसी में जो है ये जो फ्रॉड करके लोग बेचते हैं वो है सफ़ेद जर्दी का, ये है सही है पीले जर्दी का, ओरिजिनल वाला जो है आपको वो मिलेगा। सही है, बनाई थी सारे मेरे पास ही आए। टाइम भी हो गया।